हाय फ्रेंड्स, आज की कक्षा में हम मशीन एम्ब्रॉयडरी क्लास के लिए तैयार होने के बारे में देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कढ़ाई के फ्रेम में कपड़े और कागज के कैनवास को कैसे फिट किया जाए। साधारण सिलाई मशीन में हम बॉबिन में घुमावदार के लिए एक ही रंग के धागे का उपयोग करते हैं। लेकिन मशीन एम्ब्रॉयडरी में हम बोबिन में वाइंडिंग के लिए इस सफेद रंग के इंटरलॉक धागे का इस्तेमाल करते हैं और डिजाइन के लिए इस सिल्क के धागे का। आप देख सकते हैं कि मशीन में कढ़ाई रेशमी सूती धागा कपड़े के ऊपर की तरफ होगा और नीचे की तरफ इस सफेद रंग के इंटरलॉक धागे का इस्तेमाल किया जाएगा। अब मैं यह दिखाने जा रहा हूँ कि इस इंटरलॉक धागे को बोबिन में कैसे किया जाए। पहले मैं अपनी कढ़ाई मशीन के नीचे दाईं ओर इस इंटरलॉक धागा शंकु को रखूंगा। कढ़ाई मशीन के शीर्ष पर दी गई छड़ का उपयोग करके मैं इस तरह से बॉबिन में इंटरलॉक धागे को घुमावदार करूंगा। एक बार बॉबिन में थ्रेड को वाइंड करने के बाद इसे बॉबिन सेज में डालें। जांचें कि क्या थैली स्वतंत्र रूप से बॉबिन सेज से बाहर आती है। यदि यह तंग है तो अपने खाली बॉबिन का उपयोग करके इस तरह से दो स्क्रू को समायोजित करें जब तक कि धागा स्वतंत्र रूप से बह न जाए। उसके बाद इस तरह से बोबिन के स्लीव के साथ सही अंगूठे के साथ बोबिन केस पकड़ो। दोनों हाथों का उपयोग करके कढ़ाई मशीन में बस बोबिन केस डालें और जब तक बोबिन केस नहीं डाला जाता है तब तक थोड़ा सा दबाएं। इसे डालने के बाद यह आपको आवाज देगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कढ़ाई के फ्रेम में कपड़े और कागज के कैनवास को कैसे फिट किया जाए। पहले दिन से ही यदि आप पेपर कैनवास का उपयोग करते हैं तो आपके टांके और परिष्करण साफ सुथरे होंगे। कपड़े के आकार के आधार पर मैंने पहले से ही पेपर कैनवास को छंटनी की और इसे तैयार रखा। सबसे पहले बाहरी फ्रेम को नीचे रखें और उसके ऊपर पेपर कैनवास रखें और ऊपर कपड़े को भी रखें। इस कपड़े के शीर्ष पर आंतरिक फ्रेम फिट करें। समायोजन पेंच का उपयोग करके कढ़ाई फ्रेम को कस लें। मशीन कढ़ाई में डिजाइनिंग के लिए कपड़े में सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। कृपया सुनिश्चित करें कि शुरू करने से पहले ब्लाउज डिजाइनिंग के लिए मैं कढ़ाई वाले फ्रेम में लोहे के कपड़े का उपयोग करूंगा। कृपया जांचें कि कढ़ाई के फ्रेम में लगे कपड़े बिना सिकुड़े और टाइट हैं। आप फ्रेम में लगे कपड़े को पीट कर और ड्रम बीट साउंड को सुनकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं। हाथ की कढ़ाई के लिए बाहरी फ्रेम कपड़े के बाहर हो, लेकिन मशीन कढ़ाई के लिए यह उल्टा होगा और यह खाने की थाली जैसा होगा। आपको सुई के नीचे इस कढ़ाई फ्रेम को स्थानांतरित करने और डिजाइनिंग शुरू करने की आवश्यकता है। यह संभालना आसान होगा और कढ़ाई के फ्रेम को हिलाने में मददगार होगा। अब मैं गुलाबी रेशम का धागा ले रहा हूं और इसे एक आयोजक बॉक्स में छोड़ रहा हूं, या आप किसी भी अप्रयुक्त प्लास्टिक बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि प्लास्टिक बॉक्स में रेशम का धागा सोने की स्थिति में हो। जब आप थ्रेड खींचते हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यह इस तरह से आसानी से निकल जाएगा। यह आपको मशीन एम्ब्रॉयडरी डिजाइन को आसानी से करने में मदद करेगा। अब हम देख सकते हैं कि मशीन कढ़ाई सुई में थ्रेडिंग कैसे करें। मैं इस तरह से बॉक्स को अलग रख रहा हूँ। थूक पिन
जिनके माध्यम से धागा डालें और इन भागों के माध्यम से धागा पास करें जैसा कि मैं अब दिखा रहा हूं। कृपया सुनिश्चित करें कि धागा इतना तंग नहीं है। यदि यह तंग है तो कृपया इस भाग को तब तक समायोजित करें जब तक कि आप धागे के सुचारू प्रवाह को प्राप्त न कर लें। फिर धागा ले अप लेवर, थ्रेड गाइड, सुई क्लैंप के माध्यम से धागा पास करें और सुई छेद में डालें। मशीन की कड़ाई में सुई का छेद आपकी ओर होगा। अब बॉबिन से इसे इंटरलॉक थ्रेड को लेने के लिए कड़ाई में सुई के धागे को पिरोकर कड़ाई मशीन के स्पिन व्हील को घुमाएं। इस तरह से सिलाई करते समय यह इंटरलॉक धागे को बाहर निकाल देगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा। सामान्य सिलाई मशीन में सुई छेद साइड तरीकों से होगा, लेकिन मशीन कढ़ाई में सुई का छेद आपकी ओर होगा। सिलाई मशीन या ओवरलॉक मशीन में दांतों की प्लेट होगी। दांतों की प्लेट मैनुअल एम्ब्रॉयडरी मशीन में नहीं होगी। दांतों की प्लेट मैनुअल एम्ब्रॉयडरी मशीन में नहीं होगी। दांतों की प्लेट मैनुअल एम्ब्रॉयडरी मशीन में नहीं होगी। यह प्लेन प्लेट होगा। यह आपके हाथ आंदोलन को आगे या पीछे के साथ कढ़ाई फ्रेम को आसानी से स्थानांतरित करने और वांछित डिजाइन करने के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। अब मैं यह दिखाने जा रहा हूं कि यह रनिंग सिलाई कैसे की जाए। मैं चल रही सिलाई के लिए अपनी दाहिनी जांघों के पास लीवर का उपयोग नहीं कर रहा हूं। मैं केवल पैडलिंग का उपयोग करूंगा। बस पैडलिंग को दबाएं और अपने हाथ से कढ़ाई के फ्रेम को आगे बढ़ाएं जिससे आपको रनिंग सिलाई डिजाइन मिल जाएगी। आप डिजाइन और ऊपर आकर्षित कर सकते हैं कि आप चल रहे सिलाई का अभ्यास कर सकते हैं या ड्राइंग के बिना भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब मैं स्ट्रेट लाइन रनिंग स्टिच कर रही हूँ। किसी भी डिजाइन को रनिंग स्टिच का उपयोग करके किया जा सकता है। सुई किसी भी डिजाइन के लिए चलती नहीं होगी। मैं डिजाइन के अनुसार कढ़ाई फ्रेम को आगे बढ़ाता रहूंगा। कम से कम एक सप्ताह के लिए आपको इस रनिंग सिलाई का अभ्यास करने की आवश्यकता है। किसी भी मैंगो डिजाइन, लीफ डिजाइन या फ्लावर डिजाइनिंग के लिए हाथ का उपयोग करके कढ़ाई फ्रेम को स्थानांतरित करने की मदद से किया जा सकता है। अब दिल के आकार की डिजाइनिंग के लिए मैं अपने हाथ से कढ़ाई के फ्रेम को आगे बढ़ा रहा हूं। अधिक अभ्यास करने से आप रनिंग स्टिच से परिचित हो जाएंगे। अब मैं दिखाने जा रहा हूं कि साटन स्टिच कैसे करना है। साटन स्टिच करते समय आप इस समायोजन बिंदु और सुई को देख सकते हैं। यह लीवर दबाने के आधार पर कैसे आगे बढ़ेगा। मैं 2 से 5 तक विभिन्न चौड़ाई के साथ साटन टांके दिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, मैं अपनी दाहिनी जांघों के साथ लीवर को थोड़ा दबा रहा हूँ, साथ ही साथ में पैदल दबा रहा हूँ। मुझे आकार की साटन सिलाई मिल रही है 2। जब मैं लीवर को जोर से दबाता हूं, तो समायोजन बिंदु 2 से 5 तक बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि साटन सिलाई की चौड़ाई भी बढ़ रही है। अधिक से अधिक अभ्यास करने से आपको स्पष्ट परिष्करण मिलेगा। साटन सिलाई के विभिन्न आकार के साथ अभ्यास करें। कम से कम एक सप्ताह के लिए आपको लीवर का उपयोग करके साटन सिलाई का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। समायोजन बिंदु को विशेष चौड़ाई तक लॉक करके आप साटन सिलाई का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक चरण में यह उचित नहीं है। शुरू में हमें केवल लीवर समायोजन के साथ करने की आवश्यकता है। भविष्य की कक्षा में मैं आपको दिखाऊंगा कि समायोजन बिंदु को कैसे लॉक किया जाए और साटन सिलाई का अभ्यास करें।
कृपया अलग अलग चौड़ाई के साथ कुछ समानांतर रेखाएं खींचें और उस पर साटन सिलाई का अभ्यास करें। धीरे धीरे अभ्यास करें और सुनिश्चित करें कि साटन फिलिंग साफ सुथरी हो। कढ़ाई फ्रेम को आगे या पीछे ले जाएं और अंतराल भरें। इस साटन सिलाई के साथ कम से कम एक सप्ताह के लिए अधिक अभ्यास करें। हाय दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं तो नवीनतम वीडियो जल्द ही आपके पास आ जाएगा। धन्यवाद।